आईपीएल 2024 के आगाज के साथ ही मैच के चहेतों की जहां नजर इस बार कौन सी टीम जीतेगी इस बात पर है, तो वहीं उनकी फेवरेट टीम के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर के भी उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और जब आज होने वाला मैच दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच का हो तो और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। बीते खेले गए 3 मैचों में आज जहां केकेआर अपनी तीसरी जीत के लिए मैदान में भिड़ेगी, तो दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स बीते खेले गए मैच में कप्तान ऋषभ पंत के अर्धशतक से टीम की हौसला अफजाई भी हुई है। ऐसे में जहां मैच यह दिलचस्प रहने वाला है, तो दूसरी तरफ यह मैच विशाखापट्टनम में होने वाला है जो दिल्ली कैपिटल्स का घरेलू मैदान कहलाता है। अब ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स के पास खासा अच्छा मौका देखा जा रहा है, लेकिन अगर बात करें तो टीम केकेआर की तो अभी तक वो काफी अच्छा मैच में प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। लेकिन जब बात हम पिच की करते हैं तो विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए खासा अनुकूल मानी जाती है। हालांकि मैच के पहले हिस्से में तेज गेंदबाजों को पिच से कुछ स्विंग मिल सकती है, जबकि मैच के दूसरे हिस्से यानी रात में स्पिनर्स को कुछ टर्न मिल सकती है जो उनके लिए पीक पॉइंट होगा। देखिए, कुल मिलाकर इस मैदान पर बैटिंग और बॉलिंग के बीच काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस लिहाज से बेहद आज का मैच प्रशंसकों को आनंदित करने वाला होगा। अगर देखा जाए तो DC और KKR की टीमें इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक 32 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं। दोनों के बीच हेड टू हेड टूर्नामेंट प्रतियोगिता बहुत कड़ी है, क्योंकि KKR ने 16 मैच जीते हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने 15 जीते हैं, जबकि एक का कोई नतीजा नहीं निकला है। और 2024 में होने वाले मैच में इन टीमों के फैंस यही चाह भी रहे हैं कि इस बार कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि दोनों टीम को लेकर यह मुकाबला तगड़ा होने वाला है। हर टीम अपना दमखम दिखाने के लिए आज मैदान पर उतर रही है, तो दोनों ही टीमों के पास जो है उनका अपना अपना एडवांटेज है। जहां KKR का शानदार प्रदर्शन, तो दिल्ली कैपिटल्स का घरेलू मैदान और उसके बाद बीते खेले गए मैच में ऋषभ पंत की यानी कि उनके कप्तान की काफ़ी अच्छी खासी बैटिंग जो है साफ तौर पर इस मुकाबले को और भी रोमांचक बनाती हुई नजर आ रही है।